माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की शनिवार रात को पुलिस घेरे में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों शूटरों ने सरेंडर कर दिया। जहां विपक्ष इस हत्याकांड को लेकर सत्ताधारी बीजेपी के निशाने पर आ गई है, वहीं अब राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने अतीक अशरफ की हत्या पर 8 सवाल उठाते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर लिखा, अतीक और अशरफ द आर्ट ऑफ एलिमिनेशन। इसके साथ ही उन्होंने इस हत्याकांड पर 8 सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि बिना मेडिकल इमरजेंसी के रात 10 बजे मेडिकल चेकअप के लिए दोनों को क्यों लाया गया। इसके साथ ही उन्होंने पूछा, रात 10 बजे मेडिकल चेकअप, कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं। तीसरा सवाल, पीड़ितों यानी अतीक अशरफ को टहलाया जा रहा था। चौथा, मीडिया में खुले में क्यों लाया गया। पांचवा, हत्यारे एक दूसरे से अंजाम थे। छठा, शूटरों के पास 7 लाख से ज्यादा कीमत के हथियार। सातवा, शूटर पहले से ट्रेंड थे। और आठवां, हत्या के बाद तीनों ने सरेंडर कर दिया। बता दें, इससे पहले सिब्बल ने अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर पर भी सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था, 19 साल का एक लड़का कैसे देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। अगर आपको उसे पकड़ना था तो पैर में गोली मारते और उस पर मुकदमा चलाते। आपको उसे मारने की क्या जरूरत थी। इंडिविजुअल यंग बॉय असद, हुज एज इज 19, हाउ कैन यू थ्रेटन द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। अगर आपको उसने, इफ यू वांट टू कैच हिम, हिट हिम ऑन द लेग, प्रोसिक्यूट हिम, व्हाई डू यू वांट टू किल हिम। So what would be your demand? Is that the Supreme Court should take a suo motu case of this encounter? I hope so. Because unless the message goes from the court, and this is true not just of this particular case, and not just of encounters, the whole process of the law in the context of who should be arrested, how long should he be in jail, what are the basis on the what is the basis on which he should be kept in jail? Though there are some judgments of the Supreme Court, but I think they need to be tightened, and I think that the administration must be brought to task if they don't follow the law as strictly set out by the Supreme Court. We've been going to the Supreme Court on these hate speeches. What has the Supreme Court been able to do? It's been months. I myself have been arguing. Nothing. अतीक और अशरफ के दोहरे हत्याकांड के बाद सत्ताधारी बीजेपी विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है। विपक्ष ने यूपी में शासन की तुलना जंगल राज और माफिया राज से की है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर कहा है कि देश का संविधान उन लोगों ने बनाया जो आजादी के लिए लड़े। हमारा इसी संविधान और कानून को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इससे खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। अपराधी की सजा का फैसले का अधिकार न्यायपालिका का है। ये अधिकार किसी सरकार को, किसी नेता को या कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता। हैदराबाद से सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, क्या बीजेपी जुनैद और नासिर की हत्या करने वालों का भी ऐसे ही एनकाउंटर करेगी? नहीं, क्योंकि बीजेपी मजहब के नाम पर एनकाउंटर करती है। आप कानून को कमजोर करना चाहते हैं, संविधान का एनकाउंटर करते हैं। वही मायावती ने भी मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अब हालांकि देखना होगा कि इस पर आगे कैसी सियासत होती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।